इसको इन छोटे छोटे डिब्बों में लगा कर रखा है, जिसमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लूँगी और इससे ही मैं अपना आज क्राफ्ट रेडी करूँगी। घर में पड़े खाली डिब्बों में मैं इन प्लांट्स को ग्रो कर लेती हूँ और जब ये बड़े हो जाते हैं तब मैं इन्हें एक बड़े से गमलों में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। यहाँ पर मैं गोल्डन पेपर लूँगी और मैं डिब्बे पर फेविकोल लगा कर इसे गोल्डन पेपर से अच्छे से कवर कर दूँगी, कुछ इस तरह। टीचर्स डे के ये वीडियोस आपको लेट देखने को मिल रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि इन वीडियोस की कुछ क्लिप्स डिलीट हो गई थी गलती से, जिस वजह से इन वीडियोस को फिर से बनाना पड़ा और ये लेट आपको देखने को मिले, उसके लिए सॉरी टू ऑल। अब मैं इस प्लास्टिक पॉट पर एक गोल्डन कलर की लेस लगा लूँगी। लेस लगाने के बाद मैं इसे स्टोन से थोड़ा और डेकोरेट कर दूँगी। आपके घर में भी बहुत सारे क्रीम पाउडर के बॉक्स खाली हो जाते होंगे और आप उन्हें फेंक देते होंगे, पर आप उन्हें फेंकिए मत, उनको कुछ इस तरीके से यूज करिए। उसमें इस तरीके से कुछ मिनी प्लांट्स को ग्रो करिए और जब वो बड़े हो जाए तब आप उसे किसी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मैं इसमें एक मैंने नेट का कपड़ा लिया है और उसकी पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से पॉट के ऊपर बांध दिया है। अब मैं इस पे इसको भी डेकोरेट कर लूँगी इस तरीके से। अब जो इसमें स्टिक लगी है ना प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, अब मैं इसको भी थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी। इस पे मैं फेविकोल लगा कर इस पे ये मैं कुछ इस किरकिरी इस पे डाल दूँगी, जिससे ये भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े थे जो ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गए थे, जिसे मैंने फेंका नहीं, मैंने इन्हें भी पॉट में लगा दिया। और ये मेरे पास जन्माष्टमी के बचे हुए कुछ मोर पंख थे, जिसे लगाने के बाद ये और भी ऑसम लुक दे रहा था। आई होप आपको ये पॉट बहुत पसंद आया हो। अब मैंने पाउडर का एक खाली डिब्बा लिया है, उसका ढक्कन हटा के मैं उसे ऊपर से इस तरह कट कर लूँगी। अब मेरे पास एक येलो वेल्वेट शीट बची थी, जिसे मैं कट करके इस पाउडर के डिब्बे पर चिपका कर इसे कवर कर दूँगी। एक कैंडल जला के और इस सेफ्टी पिन को गरम करके इस पाउडर के डिब्बे में मैं छेद करूँगी। आप इस प्रोसेस को थोड़ा संभाल के करिएगा कि आपका हाथ ना जले। छेद किस लिए कर रही हूँ आप वीडियो देखिए आगे तो समझ में आ जाएगा क्यों कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक वायर ली हूँ और ये वही वायर है जब घर बनते हैं और उनमें जो लोहे की रॉड लगती है उनको बांधने में यूज़ होती है, तो मैं इनसे कुछ इस तरीके की शेप बना लूँगी और उनमें ये बची हुई वेलवेट येलो शीट भी ऐसे इस तरीके से चिपका लूँगी। अब जो हमने छेद किए थे इस पाउडर के डिब्बे में, अब मैं इस रॉड को इसमें डालूँगी और शायद अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मैं एक कार्टून कैरेक्टर बना रही हूँ, तो मैं उसी को ही इस पाउडर के डिब्बे को शेप दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक ब्लैक वेलवेट पेपर का यूज़ किया है और मैं इससे एक गॉगल्स बना रही हूँ। एक्चुअली ये एक पेंसिल स्टैंड है जिसमें आप अपने पेन और पेंसिल्स रख सकते हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे
कुछ प्लेन पेपर लिए हैं और उसे कट करके मैंने इसके हाथों में पकड़ा दिया है, जिस पे आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने एक बॉक्स का टुकड़ा लिया है और उसको मैंने ग्रीन वेलवेट पेपर से कवर कर लिया है। एक्चुअली अब मैं ये जो बना रही हूँ, जितनी भी अब मैंने चीज़ें बनाई हैं, कार्ड और पेंसिल स्टैंड और वो फ्लावर पॉट, अब मैं इस पे ही इन सबको पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पर फिर से मैंने साड़ी के बॉक्स के टुकड़े का यूज़ किया है, सिल्वर ये जो पेपर है, और इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके कट कर लूँगी। और इसमें मैं अपना जो मैंने कार्ड बनाया है उसको इस पे रखूँगी। जितने भी चीज़ें मैंने बनाई हैं सब वही बचे हुए सामानों से ही बनाई है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और यही इस टीचर्स डे स्पेशल की ख़ास बात थी कि हम जो चीज़ भी तैयार कर रहे हैं वो सब इन बची हुई सामानों से बनेगा। टीचर्स डे जो कार्ड है वो थोड़ा हैवी है और इसलिए हम उसको स्टैंड करने के लिए कार्ड की एक वॉल बना रहे हैं, जिससे ये कार्ड अच्छे से स्टैंड हो पाए। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसे भी ग्रीन वेलवेट शीट से कवर कर लेंगे। और इस तरीके से हम अपने जितनी भी चीज़ें बनाई सबको पेस्ट कर लेंगे। देखते हैं आपको ये हैंडमेड गिफ्ट्स कैसा लगता है। गाइस, आज का ये क्रिएटिव सेशन यही खत्म होता है। हम आपको टीचर्स डे स्पेशल वीक में ऑनलाइन टीचर्स डे कार्ड, हैंडमेड टीचर्स डे कार्ड और हैंडमेड टीचर्स डे गिफ्ट बनाना सिखा चुके हैं, और भी बेस्ट और बची हुई सामानों से। आपको ये टीचर्स डे स्पेशल वीक कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को CIT की ओर से हैप्पी टीचर्स डे। आप भी अपने टीचर्स को विश करिए, उन्हें थैंक्स बोलिए, ये सब क्रिएटिविटी के थ्रू। आज का ये वीडियो यही खत्म होता है, मिलते हैं अब हम एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्रिएटिविटी के साथ। आप सभी को CIT की ओर से नमस्ते। तब तक के लिए घर पे रहें एंड स्वस्थ रहें।